एक कैमरा मेरे पास आया हुआ है, चाइना मेड है, कोई नाम वाम कुछ नहीं है। इसमें दिक्कत ये आ रही है कि इसका वाईफाई का रेंज ही नहीं पकड़ता। कस्टमर ने कहा है कि इसका वाईफाई पकड़ता ही नहीं है, ये कुछ व्यू ही नहीं दे रहा। तो अभी इसे कुछ खोल रहा हूँ। देखिए इसके पीछे ये यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर चार स्क्रू होते हैं छोटे, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरीके के। ये देखिए ये छोटे चार स्क्रू होते हैं, ये तीन है और एक ग्यारह, ये चार स्क्रू है जो मैंने पहले से ही खोल लिए हैं इसके अंदर से ही, यहाँ से ये यहाँ एक दो तीन और चार, ये चार स्क्रू। ओके अभी इसे मैं आपको बताता हूँ इसको खोलना कैसे। ये स्क्रू ज़रा मैं साइड में रख लूँ, नहीं तो घूम जाएगी, बहुत छोटे हैं। ये स्क्रू खोलने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कुछ खाँचा जैसा बना हुआ है, देख रहे हैं आप। यहाँ से आपको क्या करना है कि ये जो स्क्रू ड्राइवर है माइनस वाला, इसको यहाँ से ऐसे पुश करते हुए आपको आराम से इसको खोल लेना है। देखिए मैं एक मिनट आपको बताता हूँ खोल के, इसको थोड़ा ताकत लगा के खोलना पड़ेगा। मैं इसको खोल देता हूँ दो मिनट। तो फिर ये मैंने इस तरीके से खोल लिया, देखिए ये इसके अंदर ये इस तरीके का सर्किट होता है, देख सकते हो। ये देखिए इसमें कुछ ये ज़्यादा नहीं रहता है, ये इसकी मोटर है जो ये 90 डिग्री रोटेट करता है इससे बराबर। ये इसके वाईफाई स्टिक्स आप देख सकते हैं, यहाँ से सिर्फ ये एक केबल निकली हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक ब्लैक कलर की वायर है लगी हुई, ये देखिए आपको दिखाता हूँ, ये वाली वायर देखिए ये यहाँ से आई हुई है। और यहाँ पे ये दूसरा जो एंटीना है यहाँ पे कोई भी वायर नहीं है, मतलब ये सिर्फ नाम के लिए दिए रहते हैं, बाकी इसके अंदर कोई कनेक्शन वगैरह कुछ नहीं होता। आप देख सकते हैं ये मैंने अभी आपके सामने ही खोला हुआ है, और यहाँ से इसका ये दो वायर कुछ निकला हुआ है, ये मेरे ख्याल से एक यहाँ के लिए होगा और एक यहाँ के लिए होगा। अब देखते हैं ये किस चीज़ का है। ये वाली वायर जो है ये यहाँ पे ये स्पीकर दिया हुआ है छोटा सा, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये स्पीकर का केबल है। यहाँ पे छोटे अक्षर में लिखा हुआ है स्पीकर, आप देख सकते होगे, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ SPK मतलब स्पीकर। तो ये जो केबल है ये वाली हमारी ये स्पीकर की है, तो ये यहाँ कनेक्ट हो जाएगी तो इसका स्पीकर भी ऑन हो जाएगा। और ये वाली जो केबल है ये गई हुई है यहाँ पर, ये देखिए ये इसका माइक है छोटा सा जो यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा होल है आप देख सकते, ये माइक है। तो ये केबल आपकी यहाँ से मेरे ख्याल से ये केबल ये माइक, हाँ यहाँ लिखा हुआ है देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ माइक, दिख रहा है आपको, ये देखिए MIC माइक लिखा हुआ है ना। तो ये माइक का केबल यहाँ चले जाएगा, ये वाली जो केबल है माइक की वो यहाँ लग जाएगी माइक में। ओके ये यहाँ लग जाएगी, और एंटीना का तो यहाँ पे तो कुछ मतलब ही नहीं बनता क्योंकि इसका कुछ है ही नहीं इसके लिए। और ये जो वायर है ये एंटीना की भी नहीं है, ये मेरे ख्याल से एक मिनट, नहीं ये एंटीना की ही है, ये एंटीना की ही है ना। अभी मैं ये ज़रा इसको फिक्स कर देता हूँ और फिर देखते क्या है। ओके
अब आप देख सकते हैं ये मैंने यहाँ पे माइक स्पीकर कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे ये माइक कनेक्ट कर दिया है। अब देखते हैं इसे ऑन करके ये किस तरीके से वर्क करता है क्या है। ठीक है, इसे मैं ज़रा फिट कर दूँ वापस से। ये इसे मैंने फिट कर दिया है और स्क्रू अभी लगाने बाकी है। ये छोटे छोटे स्क्रू है जो यहाँ लग जाएंगे, ये मैं स्क्रू लगा देता हूँ और इसे एक बार मैं पूरा फिट कर देता हूँ। ठीक है, फिर वापस आते हैं। ये देखिए मैंने तीनों स्क्रू फिट कर दिए, अभी ये एक लास्ट वाला है मेरा। एक्चुअल में जो स्क्रू ड्राइवर है वो मैग्नेटेड नहीं है, इसके लिए मैंने ये थोड़ा देसी जुगाड़ किया हुआ है। यहाँ पे ये छोटा सा मैग्नेट का टुकड़ा लगाकर इसको मैंने इस तरीके से ताकि क्या ये रह सके, यहाँ पर आगे फिट हो सके। देखिए इस तरीके से ये फिट हो गया है। इसको मुझे यहाँ फिट करना है, इसके अंदर निकल जाता है। थोड़ा मैग्नेट नज़दीक ले लेता हूँ। ओके, इसको यहाँ फिट करना होगा। ओके, ये फिट हो गया है। तो आप देख सकते हैं अभी ये मैंने फिट कर दिया इसे पूरा तरीके से, ये एकदम फिट हो गया है। तो मैं इसे ज़रा कनेक्शन दे देता हूँ। इसका कस्टमर ने मुझे इसका एडेप्टर भी नहीं दिया था जो इसका चार्जिंग का एडेप्टर होता है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये नॉर्मली है, यहाँ पे लैन फिट होता है, यहाँ पे मेमोरी कार्ड, यहाँ पे यूएसबी केबल जो इसका पावर केबल लगता है वो, यहाँ पे ये रीसेट बटन है। अगर आपको सब सेटिंग्स रीसेट करनी है तो यहाँ दबा दीजिए कोई भी पिन विन डाल के, या फिर ऐसा कुछ GPR डाल के ऐसा ओके प्लग कर डाल के। अब ये मैंने मेरा एक सैमसंग का मेरे पास एडेप्टर था मोबाइल का, मैंने वही यूज़ किया हूँ जिसके नॉर्मली ये जैक आती है, जो नॉर्मल अभी सारे फ़ोन्स में ऐसी जैक्स आती है। ये मैं कनेक्शन कर लेता हूँ इस तरीके से, और ये मैं यहाँ इसे कनेक्ट कर देता हूँ इसे यहाँ पर। देखिए फिर ये ऑन हो जाएगा। अभी ये देखिए इसमें लाइट भी आपको दिखाई दे रही होगी, इसमें ये लाइट आ गई है। ओके, ये देखिए ये रोटेट होना शुरू हो गया। देखिए इसमें से कुछ आवाज़ भी आपको सुनाई देगी। देखिए पूरा 90 डिग्री रोटेट होता है, फिर ये एक जगह आकर रुक जाएगा। दैट्स मीन इट्स नाउ वर्किंग फॉर यूज। ओके, देखिए यहाँ पे इसकी ग्रीन लाइट जलनी शुरू हो गई, यहाँ पे ये ग्रीन लाइट। अभी हम इसे मोबाइल से, मोबाइल के हॉटस्पॉट से, या फिर आपका कोई भी ऐसा इस तरीके का कोई लैन केबल हो जिससे आप इसको लैन देना चाहे राउटर के थ्रू, जो यहाँ पे आपको राउटर के थ्रू लगाना हो तो ये यहाँ आप कनेक्ट कर दीजिए। या तो फिर आपके पास अगर घर में राउटर ना हो या कहीं ऐसा हो के अगर आप इसे हॉटस्पॉट देना चाहे मोबाइल से, तो आप मोबाइल से हॉटस्पॉट दे के इसको नेटवर्क दे सकते हैं ताकि ये नेटवर्क में आ जाए। आपको मैं बताता हूँ। We'll be right back.